गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास आपको होमवर्क मिला था, आइए उसके सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन का ए का W1 की वैल्यू आएगी, ऐसे कॉलम बना लेते हैं ना, W1, W2 और W3। W3 तो सबका 100 ग्राम ही रहेगा, 100 ग्राम और 100 ग्राम। अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था, जितना परसेंट दिया है, यानी कि W2 हमें मालूम है। पहले क्वेश्चन में कितना दिया, 45%, यानी कि ये वैल्यू आई होगी आपकी 45 ग्राम। दूसरे क्वेश्चन में कितना दिया है, 30%, यानी कि 30 ग्राम। और तीसरे क्वेश्चन में कितना आया होगा, 70%, यानी कि 70 ग्राम। अब हम बात करेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए, आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 45 ग्राम सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट आपका आया होगा 55 ग्राम। ऐसे ही ये 100 है, ये 30 है, तो ये कितना आया होगा आपका, 70 ग्राम। अच्छा ठीक है ना, 30। अब ये 100 ग्राम है, इसमें 70 ग्राम तो आपका सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना रहा होगा आपका, 30 ग्राम। ये आपके आंसर है, आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हमें एक बात पूरी तरह समझ में आ गई है कि वेट बाई वेट परसेंट का मतलब हमें ये बताया जाएगा। मान लीजिए अगर हमने कहा दिस इज 15%, तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम सॉल्यूट है। क्या समझ में आ जाना चाहिए कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम क्या हमारा सॉल्यूट है। क्लियर है, चले आइए। देखिए, लास्ट क्लास यहाँ तक हो गया था ना, इसके आगे फॉर एग्जाम्पल, अब हम जो एग्जाम्पल्स वगैरह दिए गए हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, वो तो खैर आप अपने से कर सकते ही हैं, फिर भी देख लीजिए। 10% सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट मींस, अगर हम आपको 10% कह दें, यानी कि वेट बाई वेट परसेंट की वैल्यू दे दें 10%, ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूट कितना हुआ, 10 ग्राम, सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना, हाँ दैट इज 90 ग्राम्स। तो देखिए, दिया है, दैट मीन्स 10 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। और अगर हमसे पूछा जाए कि सॉल्वेंट बताइए कितना होगा, तो सॉल्वेंट कितना होगा, दैट इज 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। दस वी कैन प्रिपेयर अ 10% सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट बाई डिजॉल्विंग 10 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। अगर आपको 10% वेट बाई वेट परसेंट का सॉल्यूशन बनाना है, तो आप क्या करिए, जो सॉल्यूट आप ले रहे हैं उसको 10 ग्राम ले लीजिए, और जिसमें आप मिलाने जा रहे हैं उसको कितना ले लीजिए, 90 ग्राम्स, क्योंकि आप सॉल्वेंट लेंगे ना, तब तो आपको सॉल्यूशन कितना बनेगा, 100 ग्राम बन जाएगा। प्लीज नोट दैट द कंसनट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन रेफर्स टू द मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन एंड नॉट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। जो हम परसेंटेज कंसनट्रेशन बोल रहे हैं 10%, वो ये कह रहे हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में 10 ग्राम सॉल्यूट है। हाँ, वो तो हमें भी पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था जितने भी क्वेश्चंस में आपने पिछले बार जितने भी सॉल्वेंट के वैल्यू आई थी, क्या किसी की वैल्यू 100 आई थी, नहीं आई थी ना। हर बार सॉल्यूशन का मास कितना आया था, 100 ग्राम। तो वेट बाई वेट परसेंट हमें ये बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं, आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि वेट बाई वेट परसेंट हमें ये बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, वो हमें ये नहीं बताता कि सॉल्वेंट में कितना है, वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बात क्लियर है आपको, चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक फॉर्मूला बना देते हैं, क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बना देते हैं। तो आप लिखेंगे फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि जितना सॉल्यूट का मास होगा उसको टोटल मास, सॉल्यूशन के मास आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हम इसका परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया करेंगे। क्या करेंगे, हम
मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया करेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। एक बार फिर से देखिए, आपको फॉर्मूला बनाया जा रहा है किसका, वेट बाई वेट परसेंट का। आपको एक चीज़ पता है, ये ऊपर वाला डब्ल्यू क्या है हमारा, सॉल्यूट। तो आप लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, बस आप देखते रहिए आपको सब याद हो जाएगा। ये होते हैं नीचे वाला डब्ल्यू क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन है ना। क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब ये परसेंटेज का मतलब क्या करना होगा हमें, मल्टीप्लाई बाई 100। बन गया फॉर्मूला आपका, देखिए यही फॉर्मूला है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। हाँ तो आप अगर यहाँ से दिक्कत हो रही है तो आप फॉर्मूले को ऐसे लिख के भी समझ सकते हैं। अब देखिए आगे दिया है, द मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। आप ये सब कॉपी कर लीजिएगा, ये तो हमें आपको पिछली बार भी बता चुके थे, फिर भी आप बता देते हैं, ये कॉपी कर लीजिएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू थ्री। अरे मास ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखते थे हम, डब्ल्यू वन या डब्ल्यू टू, हाँ डब्ल्यू टू। और मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिखते हैं हम लोग, डब्ल्यू वन। तो ये फॉर्मूला आपको पहले लिखा चुके थे हम, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इक्वल टू डब्ल्यू थ्री। चलिए मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या दिया, देखिए सॉल्यूशन कंटेंस 30 ग्राम ऑफ शुगर। एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम क्या है, शुगर है, और 370 ग्राम वाटर है। देखिए 30 ग्राम शुगर यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है कितना, 30 ग्राम, और क्या कह रहा है उसको 370 ग्राम वाटर में मिक्स किया गया, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया गया कितना, 370 ग्राम। तो बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू थ्री इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। ये जिनको नहीं आता ये उनके लिए बार बार हम लिख रहे हैं, जिनको आता वो डायरेक्ट इसको ऐड करेंगे, उनको पता चल जाएगा कितना आएगा, 400 ग्राम आएगा। अब इसको नहीं आता वो देखिएगा डब्ल्यू वन की वैल्यू कितना है, 30 ग्राम, वो यहाँ लिखेगा 30 ग्राम प्लस डब्ल्यू टू की, सॉरी डब्ल्यू वन की वैल्यू है 370 ग्राम प्लस डब्ल्यू टू की वैल्यू है 30 ग्राम, दोनों का ऐड करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 400 ग्राम। ये आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। हमें कंसंट्रेशन निकालना है, बताइए क्या लिखेंगे हम, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट। बताइए ये ऊपर वाला डब्ल्यू क्या है हमारा, सॉल्यूट है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू टू अपॉन। नीचे वाला डब्ल्यू क्या है हमारा, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि डब्ल्यू थ्री, यहाँ लिख लेंगे आप डब्ल्यू थ्री इंटू 100, क्योंकि जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या लिखना होता है, 100। तो देखिए डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट का फॉर्मूला बन गया, डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू की वैल्यू कितनी दी है, 30 ग्राम अपॉन W3 की वैल्यू कितनी दी है, 400 ग्राम, जो कि हमने कैलकुलेट करके निकाला, मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंट। तब देखिए 100 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये बचा 4, इसको डिवाइड करिए देखिए कितना हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 30/4, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 7.5%। कितना बन गया, 7.5%। आप आंसर चाहें तो चेक कर लें। देखिए आपका आंसर आ गया 7.5%। कर सकते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रहे क्या दिया है, सॉल्यूशन दे दिया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है 110 ग्राम, क्या है वो, कॉपर सल्फेट सॉल्ट होता है ना, कॉपर सल्फेट क्या होता है, सॉल्ट होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है दैट इज कितना दिया है,
550 ग्राम्स। और हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए, व्हाट वी नीड टू डू इज कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हमें वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट करना है। बताइए ऊपर वाला वेट कौन सा है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2। नीचे वाला वेट कौन सा है, मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि W3 इंटू 100%। आप देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा, 110 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट की सॉल्यूशन कितना है, 550 इंटू 100%। अब आप क्या करिए, जीरो से जीरो कैंसिल करिए, 11 से इसको डिवाइड करिए, 5 टाइम्स में 55 हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करिए कितना हो जाएगा, 20 टाइम्स में, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 20%। आपका आंसर आ जाएगा 20%। आप चेक कर लीजिए आपका आंसर आ गया है, देखिए 20%। समझ आ रहा है, कर सकते हैं। और क्वेश्चन है नहीं, चलिए नेक्स्ट टाइप का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको कुछ होमवर्क दे दें ताकि आप घर पे कुछ प्रैक्टिस कर सकें। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, हम आपको दे देते हैं, इफ़ 20 ग्राम शुगर इज मिक्स्ड इन 400 ग्राम सॉल्यूशन, कैलकुलेट कंसंट्रेशन। आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया मेरी बात, कर सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। फिर आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ, ठीक है इसी को हम चेंज कर देते हैं ना, आपने ये तो नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 इसी को चेंज करते हैं, इसको आप कर लीजिए कितना, 50 ग्राम कर लीजिए, ठीक है, मिक्स्ड इन, इसको उड़ा दीजिए और इसको कर लीजिए आप कितना कर लेंगे, इसको कर लीजिए आप 5 किलोग्राम कर लीजिए। ध्यान रहे किलोग्राम को पहले आप क्या बना लेंगे, ग्राम, बिना ग्राम में बनाए मत करिएगा नहीं तो फिर गेम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन रेडी। आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं ना, देखिए इफ 40 ग्राम सॉल्ट इज मिक्स्ड इन 160 ग्राम वाटर, इफ 40 ग्राम सॉल्ट इज मिक्स्ड इन 160 ग्राम वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज कंसंट्रेशन, या हम सिंपली लिख लेते W/W%। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आप इसको बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट इसी को एडिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप इसको कर लीजिए कितना, लेट्स से दिस इज 200 ग्राम्स इज मिक्स्ड इन, वाटर की वैल्यू बढ़ा दीजिए और इसको आप कर लीजिए कितना, 800 ग्राम्स, ठीक है वाटर। बस चार क्वेश्चन हो गए आपके पास, चारों क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करेंगे और चारों का आंसर सही सही कैलकुलेट कर लेंगे, कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पहले इनका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। सॉल्यूशंस क्या, हम आंसर आपको बता ही देते हैं, नहीं मेरे पास तो क्वेश्चन ही नहीं है। आप सेंड करिएगा, हम डायरेक्ट वहाँ पर चेक कर देंगे, जो डाउट्स होगी आप पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।